ए औरत तेरा ईमान बड़ा है अज़ीज़ मोमन खुशपुर से जबारियाँ कंजा का आप सबको सलाम तीन अगस्त बुध का दिन हमारे लिए आज की तलावत अजील मुकदस बा मुताबिक मुकदसमती उसका पंद्रवं बाब इक्कीसवीं आयत से लेकर अट्ठाईसवीं आयत तक और यसु वहाँ से रवाना होकर सूर और सदून के इलाके में गया और देखो एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि ए खुदावन दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सताई जाती है मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराना की खोई हुई भीड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा ए खुदावन मेरी मदद कर उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं तो उसने कहा सच है ऐ खुदावन क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज़ से गिरते हैं इस पर यसु ने जवाब में उससे कहा ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएँ मुआफ़ की जाएँ एमसी तेरी सतश हो आमीन बाप और बेटे और रोहलकुद के नाम में आमीन खुशपुर से एरिक सिल्वेस्टर आज की तिलावतों पर ध्यानो ज्ञान के साथ आप सब की खिदमत में हाजिर है अज़ीज़ मोमन आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी की किताब से ली गई है जहां असीरों को यकीन दलाया गया है कि वक्त आने पर खुदा तुम्हें दोबारा एक बड़ी कौम बनाएगा खुदा उनके साथ रिश्ता दोबारा कायम करेगा खुदा के साथ उनका ख़ास ताल्लुक़ होगा वो उनकी फलाह व बहबूद और ख़ुशहाली का ख़ास ख्याल रखेगा वो उनके लिए बड़ा काम करेगा जैसे उनके बाप दादा को मिस्र से रहाई दिलाई थी उसी तरह उन्हें बाबल की असीरी से निकालेगा खुदा उन्हें कहता है कि कोई चीज़ तुम्हें इस मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती जिन्हें खुदा मोहब्बत करता है उन्हें अपने अहद में शामिल भी करता है खुदा उन्हें दोबारा एक उम्मत बनाएगा और उन्हें अपने मुल्क में आबाद करेगा उन्हें आज़ादी होगी कि खुदा के मुकर करदा अहकाम के मुताबिक उसकी इबादत करें हर तरफ ख़ुशी व मसरत का माहौल होगा खुदा अपने बंदे इर्मिया नबी के वसीले अपनी उम्मत को उम्मीद दिलाता है कि मैं उनकी किस्मत बदल दूंगा और वह ज़मीन दूंगा जिसका वादा उनके आबाओ अजदाद के साथ किया था अजीज़ ईमानदारों आज की पाक इंजील में एक मशहूर वरूफ वाक़ का ज़िक्र है जहाँ खुदावंद यसु मसीह ने किनानी औरत की बेटी में से बदरू निकाली थी यहाँ यसु मसीह की गैर अकवाम के लिए नजर शफकत ज़ाहिर होती है खुदावंदु मसीह अच्छाई पसंद था इसलिए वो भलाई करता फिरता था इस मोज़ा में हमें ये बातें वाज़ नज़र आती हैं नंबर एक कनानी औरत का यसु मसीह से मुखातब होना वो गैर कौम औरत थी नंबर दो वो इसराइल की सल्तनत से ख़ारज थी अगर उस वक़्त यसु मसीह उस इलाका में ना जाता तो शायद वो औरत कभी भी उसके पास ना आती नंबर तीन उस औरत ने चिल्लाते और मिन्नत करते हुए मसीह से पकारते हुए कहा जैसे कोई इंतहाई ज़रूरतमंद पुकारता है नंबर चार उस औरत ने अपनी परेशानी और दुख को बयान किया एक बदरू मेरी बेटी को सताती है बच्चों की मुसीबत और परेशानी माँ बाप के लिए दुख का बायस होती है मोहब्बत से भरपूर और शफीक वद अपने बच्चों के दुखों को शिद्दत से महसूस करते हैं बेशक बदरू उसे सताती है फिर भी वो मेरी बेटी है चूँकि वो औरत मजबूत ईमान के साथ यसु मसीह के पास आई थी इसलिए यसु मसीह ने उसे रद्द नहीं किया उसने रहम की दरख्वास्त की ए खुदावंद इबन दाऊद मुझ पर रहम कर अल्तजा ये है कि मुझ पर रहम कर बच्चों पर रहम माँ बाप पर रहम होता है माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों के लिए दुआ मांगें और उन्हें ईमान के साथ यीशु मसीह के पास लाएं क्योंकि यीशु मसीह ने ख़ुद कहा बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है अगर इस औरत को हौसला शिकनी का सामना हुआ यसु मसीह की एलानिया जिंदगी में कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती जब वो उसके पीछे चिल्लाती थी तो यसु मसीह ने उसे कुछ जवाब ना दिया जब शागिर्दों ने उसकी सिफारिश की तो यसु मसीह ने इनकार की वजह बताई जो और भी हौसला शिकनी का बायस थी लेकिन उस औरत का ईमान बहुत ही मज़बूत था यीशु मसीह ने भी उससे कहा, ए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है उस औरत के ईमान की तारीफ़ की यकीनन उस औरत में बेशुमार खूबियाँ होंगी लेकिन यसु मसीह ईमान को सब खूबियों से ज़्यादा तरजीह देता है ईमान एक अलायाती ख़ूबी है ईमान की अजमत इसमें है कि मुसम्मम इरादा के साथ यसु मसीह से मोहब्बत रखें यसु मसीह ने उस औरत की बेटी को शफा दी जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो उसकी बेटी ने उसी घड़ी शफा पाई माँ के मज़बूत ईमान की बदौलत बेटी को शफा मिली अजीज मोमन आए आज दुआ करें कि खुदा हमें ये फज़ल बख्शे ताकि हम उसकी तमाम नेमतों के लिए हमेशा उसके शुक्र गुज़ार रहें और केनानी औरत की तरह अपने ईमान में साबित कदम रहें नीज़ दूसरों के ईमान को भी अजीज जानें और ईमान में मजबूत रहने में मदद दें मसीह खुदावंत के वसीले से आमीन